तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कैनवी टेक में। दोस्तों इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉयड एयर कंडीशनर के रिमोट को, सारे फंक्शन, कौन से बटन से क्या यूज़ होता है, सारे फंक्शन हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही यूज़फुल वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमोट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे ऑन और ऑफ़ का बटन देखने को मिल जाएगा, इससे पावर ऑन और ऑफ होगा। इसके बाद जो ये टर्बो जो बटन है, इसका आप यूज़ तब करेंगे जब आप इंस्टेंट कोई गर्मी में से आ रहे हैं और आपको इंस्टेंट कूलिंग का ऑप्शन चाहिए, आपको एयर कंडीशनर इंस्टेंट चालू करना है। यानी क्या होता है कि जब भी आप नॉर्मली एसी को ऑन करते हैं तो एक या दो मिनट के बाद उसका कूलिंग आना शुरू होता है, लेकिन टर्बो मोड में ये इंस्टेंट कूलिंग का ऑप्शन होगा, इंस्टेंटली कॉम्प्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और कूलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप बाहर गर्मी में से आ रहे हैं और इंस्टेंट आपको कूलिंग चाहिए। इसके बाद आता है इसका फ़ैन का बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन लाइन है यहाँ पे, तो ये फ़ैन स्पीड है, ये ऑटो मोड पे है यानी ऑटोमेटिकली फ़ैन स्पीड अप या डाउन करेगा। ये 1, 2 और 3, ये तीन यहाँ पे आपको फ़ैन स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है नीचे ये जो सर्कल है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं प्लस माइनस, आप टेम्परेचर को प्लस या माइनस तक कर सकते हैं। इसके बाद साइड में जो दो बटन है यहाँ पे, ये स्विंग है, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप यहाँ से स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं, जो स्विंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये आप किस तरह से अपने फ्लैप को एडजस्ट करना चाहते हैं या आप ऑटोमेटिकली पूरा फ्लैप को अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो इस वाले मोड पे। और ये फोर वे है, तो यहाँ पे आप ये भी फ्लैप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर का जो फ्लिप है वो भी यहाँ पे स्विंग होगा इस बटन की मदद से। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं माय मोड लिखा हुआ है। ये क्या कैसा रहता है कि आपके वहाँ पे कोई बच्चे रहते हैं तो जो रिमोट को छेड़ देते हैं, कोई फंक्शन चेंज कर देते हैं, तो आप यहाँ पे अपना माय मोड यानी इस मोड को, एक कोई भी आप जो मोड यूज़ करते हैं रेगुलर, उसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। माय मोड का बटन आपको 3 सेकंड तक प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोड चेंज करके इसे फिर से एक बार प्रेस करेंगे, यानी ये मोड आपका सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से आप दो मोड यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर है ऑक्सिलरी हीट का ऑप्शन, ये आपका हॉट एंड कोल्ड, अगर आपका एसी है जो गर्म भी करता है और ठंडा भी करता है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी हीट का ऑप्शन है, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्लीप मोड का ऑप्शन है, यानी अगर आप रात में सो रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्लीप मोड ऑन हो चुका है, अगर रात में आप 24 जो डिग्री है उसे सेट किया है और अगर आपने स्लीप मोड ऑन कर दिया है, तो हर 2 घंटे में ये 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी सुबह होते होते यानी बाहर का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है, तो आपको टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर 2 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर अप हो जाएगा, यानी आपको पूरी रात में कभी भी उठ के टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे ब्लो का ऑप्शन है। ब्लो का ऑप्शन नॉर्मली दोस्तों, ये एयर कंडीशनर जब आप बंद करते हैं उसके बाद इसका जो फैन मोटर होता है वो उसके ऊपर से मॉइस्चर हटाने का काम करता है, पर इसे क्या करना है, आपको ब्लो का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक पंखे का सिग्नल आ गया है। उसके बाद जब आप एसी को ऑफ करेंगे, वो एसी थोड़ी देर चलता रहेगा लेकिन कंप्रेसर बंद हो जाएगा, खाली फैन चलता रहेगा और जो इवेपरेटर कॉइल होता है उसके ऊपर से वो डस्ट है, जो मॉइस्चर है, वो उसको हटा देगा। तो ब्लो का ऑप्शन ये काम करता है। टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का ऑप्शन है यहाँ पे, आप कितनी देर के बाद अपना एसी ऑन करना चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे आवर सेट करना है। देखिए जैसे पावर ऑन का टाइमर ऑन का आपने यहाँ पे बटन दबाया, उसके बाद यहाँ पे 0.5, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप यहाँ से सेट करके इसे एम यानी आपने सेट कर दिया, उसके बाद इतने घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। उसी तरह से ये ऑफ टाइमर है, ऑफ टाइमर यानी आपका एसी चल रहा है और आपको कितनी देर बाद इसके ऑफ करना है, तो ऑफ टाइमर भी आप यहाँ से 1-2 घंटा आप अपने हिसाब से सेट करके इसे ऑन कर सकते हैं, इतने घंटे बाद ही आपका एसी टर्न ऑफ हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर लाइट का ऑप्शन है। लाइट यानी आपके एसी के ऊपर जो इंडिकेटर्स रहता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखाता है, उसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसे आप एसी की तरफ घुमा के जब लाइट का बटन दबाएंगे तो वो जो लाइट है वो बंद हो जाएगी।
तो ये है कुछ इस तरह का। और यहाँ पे देखिए हेल्थ का और सेंस का ऑप्शन है। यहाँ हेल्थ का ऑप्शन तो हमें भी नहीं पता है क्योंकि मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया है, शायद ये मेरे एयर कंडीशन में है नहीं है, क्योंकि ये कुछ प्रीमियम सीरीज़ के, इसका जो रिमोट होता है वो तो कॉमन रहता है, लेकिन कुछ फंक्शन जो इसके प्रीमियम सीरीज़ में आते हैं तो शायद ये कुछ एयर प्योरीफिकेशन का ऑप्शन है। और ये सेंस वाला है, जब हम सेंस इससे दबाते हैं तो यहाँ पे इस तरह का एक देखिए यहाँ पे सिंबल आ जाता है। आई थिंक ये लगता है कि ये सेंस करता है ह्यूमन एक्टिविटी और उस हिसाब से ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है, तो ये सेंस का ऑप्शन है। तो ये था लॉयड के एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल। होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।